जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि पाकिस्तानी कल्चर में जो मर्द है वो हक जताता है अपना, कि उसका एक दर्जा बुलंद है, और फिर उस हक में जो है वो अपने रिश्तेदारों की ज़्यादा इज्जत करवाता है, और औरत के ऊपर ये साइकोलॉजी के लिए फोर्स करता है कि वो सिर्फ अपने रिश्तेदारों से सिर्फ और सिर्फ फॉर्मली मिले, यानी कि अपने पेरेंट्स से, अपने बहन भाइयों से, तो और अपनी जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है उसमें अपनी माँ को और अपने बहन भाइयों के वो ज़्यादा उसके करीब करना चाहता है। तो क्या सर इसको हम साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन में लेंगे, और क्या इसके बिना पे कोई सेपरेशन या इस तरह का केस होता है प्लीज? वेल आई वुड डू दैट इफ आई वर यू। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं करता, क्योंकि इस्लाम में जो चीज़ आप पे फर्ज नहीं है और फर्ज करार दी जा रही है तो ये जुल्म है। ओके, वो आपका, आप बोझ उठा सकती तो आप उठा, अल्लाह अल्लाह वो बनाता आपके लिए फर्ज। अल्लाह ताला ने वो तमाम चीज़ें फर्ज की हैं कि जो आप उठा सकती हैं इनका बोझा, जो आप नहीं उठा सकती अल्लाह ने वो फर्ज नहीं की। इसलिए बिदत इतनी गंदे गंदे लेवल पे गुनाह है कि वो चीजें ना डाल दो इस्लाम में जो अल्लाह ने नहीं डाली हुई। इंसान बोझ नहीं उठा सकेगा, जबरदस्ती डालोगे मारा जाएगा बेचारा। जो फर्ज पूरे करने हैं वो भी नहीं पूरे कर सकेगा, इतनी मुश्किल से मार्जिन पे तो पास होने सबने, आपने और फर्ज डाल दिए। इसलिए तो कह रहा हूँ शादी को भी फर्ज कर दिया ना। बहरहाल अभी शादी की बात नहीं हो रही, आपने ज्वाइंट फैमिली की बात की। सास ससुर आपके आपके फर्जियत में नहीं आते, सॉरी, दिस इज नॉट योर योर जॉब। इफ ही इज मेकिंग योर जॉब, आई वुड प्रोटेस्ट टू द हाइस्ट ऑफ डिग्रीज। जिससे मैं इस्लाम की लड़ाई के लिए आया हूँ दुनिया में, सॉरी, और लड़कियों को भी कहता हूँ कि आप इस्लाम के काम करने काबिल हो जाएं। आप खुदा का वास्ता है, वो वाली बातें तरवीज में लेके आएँ, तलकीन में लेके आएँ, नहीं तो फिर थ्रेट में लेके आएँ कि भाई इस्लाम के लिए तो सब कुछ कुर्बान है। ज़बरदस्ती के फ़राइज़ नहीं डालेंगे आप मेरे ऊपर, ठीक है? सर वो तो ये फर्ज करने आपकी सास ससुर हैं, और लड़के की सास ससुर एक जितनी तकरीम की हकदार हैं, बस इससे ज़्यादा किसी और चीज़ की हकदार नहीं है वो। ठीक है, ये पूजा पाठ में आ जाता है जिस लेवल पे खिदमत करते हैं हम लोग। लड़के का काम है अपनी माँ को पैर चूमे भी और दबाए भी और धोए भी, ठीक है? अब काम है उसका, उसका हक है माँ का, उसकी माँ का हक अपने बेटे पे है, अपनी बहू पे नहीं है, सॉरी, ठीक है? इस्लाम में कोई और चीज़ ना डालें प्लीज, ज़बरदस्ती नहीं। और वही तबाही है, फिर भुगतें, फिर 50 साल की, आपको पता है हर, हम दूसरा घर, बट आई वुडन्ट बी रॉन्ग, जिसमें बहू अपनी सास के मरने की दुआएं कर रही है। बल्कि आप तो पता क्या पूछा जाता है, सास की उम्र कितनी है? 60+ है। हम खैर है, बट ठीक है, क्योंकि ये बता रहे होते हैं कि जल्दी मर जाएगी। ये हालात है, पहले इतनी इनसिंसियर औरत से शादी करनी पड़ रही, जो मेरी माँ के मरने का वेट कर रही हो उससे मैं कहूँ कि मेरे से सिंसियर हो, मैं तो शर्म आनी चाहिए। किसी का कसूर किसका है? मेरा कसूर है, जबरदस्ती उसकी वार्डनशिप के अंदर डाला जा रहा है। तो फिर जेलर हमेशा मरने की बददुआएं खाता है कैदियों से, ये फितरी नेचुरल साइकोलॉजी हमारी। ओके, तो क्या शादी के बाद, क्या शादी के बाद पहले आ जाता है कुरान और सारी बातें बाद में आ जाती है? इसराइल आपने नाम बोले? नहीं, मैंने बोला कि अगर शोहर ये कहते कि नहीं आपने घर पहले देखना है और बाद में अपनी इबादतें और बाद में अपना कुरान का जो सारा है क्लासेस लेती हैं वो बाद में करना है, तो ये प्रायोरिटी तो नहीं होगी ना सर, क्योंकि हमेशा से हमें कुरान को प्रायोरिटी रखना चाहिए। कुरान कुरान पढ़ना नहीं, कुरान अप्लाई करना प्रायोरिटी है यार, ठीक है? कुरान पढ़ने की उम्र शादी से पहले की थी, कुरान अप्लाई करने की उम्र शादी के बाद है। बहरहाल पढ़े हैं, इसमें कोई शक नहीं, मगर अगर शोर नमाज नहीं पढ़ने दे रहा कि पहले घर के काम करो, नमाज बाद में। नमाज ईमानियात का हिस्सा है, ठीक है? नमाज दीनियात का हिस्सा है, नमाज आपके अखलाकियात का हिस्सा नहीं है, ईमानियात का हिस्सा है। नमाज पे कोई को रोक के दिखाए आपको, ठीक है, उधम मचा दें अगर कोई नमाज से रोक रहा है आपको, तो बचत नहीं है उसकी, तो बिल्कुल भी नहीं जो रोक रहा है। मगर अगर कोई ये बंदा कह रहा है यार कि आप सुबह दोपहर तो शाम आपने पूरा पूरा कुरान ख़त्म करना है, आपने हर हर महीने एक कुरान ख़त्म कर रही हैं आप, और कोई काम नहीं करी, तो उस कामों की लिस्ट में देख लें। अगर शोहर के काम है, बच्चों के काम है, तो वो आपके काम है, उसके अलावा कोई काम आपका काम नहीं है, ये याद रखिएगा। लड़कियों को पसंद में ना मसला पता क्या, आपको पता भी नहीं है इस्लाम ने क्या क्या चीज़ें आपको छुट्टी दी हुई है जिस चीज़ को, वो पाकिस्तान में फ़र्ज हैं।
मुसलमान औरत को अल्लाह ने नहीं फर्ज की हुई कुछ 90% चीजें जो पाकिस्तान में फर्ज हैं घर की डोमेस्टिक इन्वायरमेंट में। ये सास बहू तो चले, सास ससुर तो हर घर में नहीं होते ना, मगर बगैर सास ससुर के भी लड़कों को पता नहीं है, वो पाकिस्तानियत का फायदा उठा लेते हैं, पता नहीं है, ये बदनीयत नहीं होते, जहालत में फायदा उठा रहे हैं। लड़की उतनी ही जाहिल, उसको भी नहीं पता कि इस्लाम में ये चीजें फैलाई हैं। और बातें दोनों दीन की कर रहे होते हैं, एक दाढ़ी रख रहा होता है, दोनों हज की प्लानिंग कर रहे होते हैं। मैं नेकों की बात कर रहा हूँ, बदों को छोड़े, नेक मियाँ बीवी अच्छी नीयत से बच्चों को भी इस्लाम सिखा रहे हैं, नमाज रोजा जक़ात हज और यू नो ऑल ऑफ दैट, जो जो भी इन्होंने अपने अपने तौर पर अच्छी नीयत से इस्लाम, मगर लड़की पे वो वाले फराइज डाले में जो इस्लाम में है ही नहीं। मतलब आपको लड़का लड़के की बचत नहीं है, ये मत सोचें, दुनिया में बच जाएगा, आखिरत में फ्राई होना है उसने, कि तूने लड़की से वो काम असम्प्टिव अस्यूम टू बी कंपल्सरी करवा दिए हुए थे, जो कि इस्लाम के नाम पे करवाता था तू इससे, और उसको शाबाशियां भी देता था, आ नजर आ इधर। ये अभी देखें लड़कों के साथ होता क्या है, इनको पता नहीं है कि बीवी के हकूक क्या हैं, बीवी के फराइज क्या हैं, ठीक है, बीवी के फराइज लिस्ट में आपको बता, एक जुमले में बीवी के फराइज बयान होते हैं, और हकूक के परंदरे हैं आपके, घर का सफाई करना भी आपका फर्ज नहीं है, घर की अपने घर की भी सफाई आपका फर्ज नहीं है, यू नीड टू अंडरस्टैंड, पैसे ले सकती हैं आप इसके, ये आपको मैं बता नहीं रहा हूँ लड़की का कितना नखरा इस्लाम में, लड़कों को पता नहीं है, लड़की उतनी जाहिल निकलती है, फायदा उठाते हैं फिर कल्चर का, बट अगर कोई बंदा इस्लाम में डाल रहा है उसकी आखिरत में बचत नहीं है, ठीक है। सो आई होप यू गेट द बिगर पिक्चर, गेट टू रीड योर बुक। सर जो पाकिस्तानी कल्चर जो पाकिस्तानी के ऊपर जोर दिया जाता है तो सब इट्स नॉट इस्लामिकली रिलेटेड, तो फिर जब लड़का अपने तौर पे कल्चर प्रैक्टिस करता है तब आपको क्यों वो क्या से कहते हैं आग लग जाती है, अपनी बारी आप कह रही है इस्लाम में नहीं है, तो फिर ठीक है वो दूसरी तरफ भी तो आई ना, फिर गौर से समझे इस बात को, यू नीड टू बैलेंस द होल थिंग, या तो पूरी लड़ाई करें उसको भी उसके हकूक दें और खुद भी अपने हकूक की लड़ाई करें, या फिर खाली अपने हकूक की लड़ाई करके ये ना सोचे हाँ तेरे केस में आएंगे तो कल्चर प्रैक्टिस करेंगे, मेरे केस में आएंगे तो दीन प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे नहीं होगा, ओके। दोनों केसेस के ऊपर रिलीफ है, ठंडे हवा आनी चाहिए, गर्म हवा निकालनी चाहिए, दोनों तप रहे हैं, पिक्स रहे हैं, जल रहे हैं दोनों, लड़का भी लड़की भी, क्योंकि इस्लाम कहीं भी प्रैक्टिस, पाकिस्तान हर जगह प्रैक्टिस, पाकिस्तान पाकिस्तान क्यों लगा हुआ, पाकिस्तान तो पाक लफ्ज है, और हिंदू कल्चर प्रैक्टिस हो रहा है हमारा, इंडियन वेद और गीता प्रैक्टिस हो रही है, और नाम इस्लाम का लगाया हुआ बस। बहरहाल इतना बड़ा मनसब है ना बीवी का, मैंने जब पढ़ी थी ना किताब, ओ एक नहीं है किताब एक्चुअली एक किताब आई थिंक मैंने उर्दू में भी पढ़ी है पिछले, बहरहाल उसने भी पाकिस्तानियत ही दिखा दी थी सारी। बहरहाल जब मैंने अब बीवी के बाय द वे आई वाज नॉट मैरिड व्हेन आई रेड दिस एंड आई वाज लाइक व्हाट अर्ली टीन्स लेट टीन्स आई डोंट रिमेंबर एंड यू नो हाउ बॉयज आर क्यूरियस कि अच्छा जब शादी होगी तो कैसे ट्रीटमेंट करनी है मैंने अपनी बीवी की, क्या किस किस्म की सजाएं हो सकती है, एंड आई रेड द होल बुक, इट टुक मी लाइक व्हाट अ कपल ऑफ मंथ्स, क्योंकि ज़ाहिर है एक ही गो में तो नहीं पढ़ा था मैं, और हर दफ़ा मैं डरते हुए खोलता था, पता है हर तीसरे जो दिन किताब खोलता था कि अब नया कोई एक तीर चलेगा और मुझे वईद सुनाई जाएगी, क्योंकि मेरे अब्बा जी ने कुछ नहीं ऐसा प्रैक्टिस किया, मैंने कभी नहीं देखा कोई आदमी ऐसा प्रैक्टिस करते हुए, मेरे दोस्तों को पता भी नहीं था उस चीज़ का, एंड आई लाइक अगर ये क्या हो रहा है फिर, ये किताब हर घर में क्यों नहीं पढ़ी, और किताब पढ़ी भी है वो कुरान में वही वाली कुरान से लिखी हुई बातें, हदीस से लिखी हुई बातें, यहाँ मैं कोई अजीब गरीब किस्म के वो जेवर और पता नहीं क्या नाम उस किताब का, यहाँ पे मैंने मुझे पता उसका नाम सर बहिश्ती जेवर, सर बहिश्ती जेवर, ओह यस यस यस, ओह माय गॉड, उसके पहले चार चैप्टर के बाद ही मेरे कानों से धुएं निकलना शुरू हो गए थे। मैं नहीं कह रहा हूँ किताब गलत है या सही है, मैं नहीं कमेंट कर रहा उसके ऊपर, ओके, मैं उस पर उस स्कॉलर को की और बाकी किताबें बड़ी काम की, मैंने बहुत ज़बरदस्त किताबें पढ़ी हुई, इसलिए मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, बट वो एंगल ही कोई और है, इस्लाम का तो एंगल बहुत ही लिबरेटिंग किस्म का एंगल है, ये वाला एंगल तो डूज एंड डोंट्स ऑफ ऑल ऑफ द, वही शुरू के चैप्टर्स बता रहा हूँ, मैंने पूरी नहीं पढ़ी तो आई एम नॉट गोना कमेंट ऑन दैट, बट आई वाज लाइक भैया ये कुछ और कहानी है, किसी और ग्रामर में लिखी हुई है, मुझे दिक्कत हो रही है, ये आगे पढ़ता जाऊंगा तो और गुस्सा आएगा, मैं इसलिए नहीं कि नौज़ बिल्ला गलत बात लिखी है, ये एंगल ही कोई और है,
मेरे पास कोई एंगल ही कोई और था, उसमें मेरे पे प्रेशर आ रहा था, बहुत प्रेशर आ रहा था। आदमी जब पढ़ता है ना बीवी के हकूक, आदमी कॉन्शियस मैन होने के लिए, उस पर इतना प्रेशर आता है वो शादी के नाम से तौबा करता है, कि यार ये मेरे से तो नहीं हो सकते ये वाले फ्राइज, क्योंकि बीवी का हकूक तो मेरे फ्राइज है ना, कि मैं सारे की सारी चीज़ों का इंतजाम करके रखूँ कि वो आए महारानी अपने तख्त पे बैठे आके और वेट करे कि कब क्या क्या चीज़ें उसको प्रोवाइड की जाएंगी। मतलब आप पढ़ लें कि अल्लाह ताला ने किस तरीके से एक बीवी को एस्टेब्लिश किए घर। आप वो छोड़े, मैं पाकिस्तान में, वो जो इस्लाम में लॉन्ड्री के जो हकूक है, पाकिस्तान में बीवी को भी नहीं वो मिल रहे, लिटरली वो बीवी को भी नहीं मिल रहे। आपको पता भी नहीं है इस्लाम में औरत को किस जगह पे स्टैंडर्डाइज स्टैंडर्ड दे दिया। आप पढ़ते ही नहीं, लड़कियां पढ़ती नहीं, आदमी भी नहीं पढ़ते ना। ये मैं भी एक डिनर में बुलाया हुआ था मुझे एक बेरे टाउन में, एंड डॉक्टर थे सारे, और काफी उम्र के डॉक्टर थे, मतलब इन देर लेट 60s, लेट 50s 70s में भी, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट, हमने वो लॉन्ड्री के हकूक पता करने हैं, लॉन्ड्री यहाँ पे लॉन्ड्री अलाउ है इस्लाम में कि नहीं है ना। दैट्स वाई यू कॉल मी, मुझे आपने इसलिए बुलाया, ये तो मुफ्तियों से जाके पूछे, मुझे आपने बुलाया डिनर पे इस टॉपिक के ऊपर, ये दैट्स योर प्राइम। एंड देन थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन के बाद आना लाइक अंकल्स एक मिनट रुक जाए, मैं आपको एक बुक बता रहा हूँ, आप खाली इस दफा लॉन्डी के हकूक पढ़ लें, जो कि अरब में थे उस वक्त, इस्लाम में है जो, और अरब में उस वक्त अलाउ थी जो, अब तो अलाउ भी नहीं ना। आपको अपनी बीवियों के सामने जाते हुए शर्मिंदगी हो रही होगी, इफ यू आर यूजिंग द वर्ड इस्लाम एंड आई एम यूजिंग द वर्ड इस्लाम राइट नाउ, और आपको बहुत शौक है लोनियां रखने का, आप वाली हकूक आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, इसलिए कि आपके पास पैसे नहीं है, इसलिए कि आपके पास साइकोलॉजी नहीं है, आप साइकोलॉजिकली गरीब है, आपकी ट्रेनिंग में दो नंबरी है। आप इस्लाम के अगर अल्लाह से डरते हैं तो ये किताब पढ़ेंगे तो आप आइंदा कानों को हाथ लगाएंगे अपनी बीवियों के पास जाते वक्त, थोड़ी लॉन्डी को वो तो आप रख ही नहीं सकते, अपनी बीवियों के पास जाते वक्त आप कानों को हाथ लगाएंगे कि अल्लाह ने ये रैंक दिया है बीवी को, हमसे तो वो वाले हकूक नहीं पूरे हो रहे जो कि, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और बहाने क्या वो सोशल स्टेटस दे रहे हैं, मेरी बीवी जो काम पैसे मेरे वो रखती है तो वो ये रखती है ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, यू विल रीड एंड देन यू विल फाइंड आउट। आप इस साइकोलॉजिकल एंगल से बीवी को देखते हैं, वही गुनाह है, खाली खाली वही गुनाह है जिस एंगल से हम बीवी को देखते हैं और जिस एंगल से अल्लाह ने देखा हुआ है। सो मैंने आपसे कहा ना मर्दों को वो बहुत ज़रूरत है, बीवी से बेशक मुकाबले करें, आप जीत जाएं आप सारे मुकाबले, आप अपनी बहनों और बेटियों के लिए पढ़ ले वो, ताकि उनके लिए तो हम मुकाबले नहीं करते ना, फायदा बीवी को ही होगा एंड में इंशाल्लाह, ठीक है। सो आई ओनली ब्लेम द मैन, आई डोंट ब्लेम द वीमेन, आई डोंट केयर वेदर वेन लाइक दिस और नॉट लाइक दिस, आई एम नॉट हेयर टू क्रिएट फैंस, किसी को नहीं पसंद आ रही बात तो आई एम सो सॉरी, रीड योर ओन बुक्स, बट लीडरशिप का जिम्मा आपके एंड पे था, सारे मजे आपने लिए लाइफ में, यहाँ पे आके आप जिम्मा औरत को नहीं दे सकते।